एक बार फिर से आपके साथ मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। जिले भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी खबर आपसे छूटे नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। थाना कुठार क्षेत्र के मुरादपुर एसआर लाल पंप के सेल्समैन की आज सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना सुबह लगभग 7 बजे की है जब बाइक सवार 3 बदमाश पेट्रोल पंप पर पहुंचे। बदमाशों ने सेल्समैन अजय प्रकाश से गाड़ी में 1000 रुपए का पेट्रोल भरने को कहा। पेट्रोल भरवाने के बाद बाइक पर पीछे बैठा एक बदमाश जिसने कोट से तमंचा निकालकर सेल्समैन अजय को गोली मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारे बाइक से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्यारे कौन थे और सेल्समैन की हत्या क्यों की गई अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर हत्यारों की पहचान करने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 4 जिलों बनारस, गोरखपुर, प्रयागराज और शाहजहांपुर में आज राशन वितरण किया गया। ये राशन वितरण प्रधानमंत्री की तस्वीर लगे बैग में रखकर किया गया। शाहजहांपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 135 लोगों को अपने हाथों से राशन बांटा। आपको बता दें कि सरकारी आदेश के बाद यूपी के 4 जिलों से योजना की शुरुआत की गई है। शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना कार्यक्रम में शामिल हुए और लाभार्थियों को राशन बांटा। शाहजहांपुर में 5,78,000 लोगों को सरकारी बैग में राशन रखकर बांटा जाएगा। इस दौरान सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि कोरोना काल में सरकार की इस योजना के तहत गरीबों को राहत मिलेगी। योजना केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है जिसमें सबसे ज्यादा गरीबों को लाभ होगा। वह क्षेत्र के गांव सिंगापुर खास में स्वास्थ्य केंद्र के सामने जल भराव होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहां बारिश का पानी स्वास्थ्य केंद्र के सामने इकट्ठा हो जाता है जिससे यहां टीकाकरण करवाने आने वाली गर्भवती महिलाओं को खासी परेशानी होती है। ऐसे में लोगों का ये भी आरोप है कि कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की गई बावजूद इसके समस्या से निजात नहीं मिल सकी। निगोही के बरैचा गांव से 3 दिन पहले से एक 12 साल का बच्चा लापता है। लापता बच्चे का नाम प्रियंक शर्मा है। प्रियंक शर्मा के लापता होने के बाद से परिवार परेशान है। प्रियंक के लापता होने के बाद से उनके पिता राजेश शर्मा ने प्रियंक का कोई भी सुराग मिलने पर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करने की बात कही है। बरेली मंडल के नवागत संयुक्त शिक्षा निदेशक अजय कुमार द्विवेदी का आज शाहजहांपुर के बरेली मोड़ पर हार्दिक स्वागत किया गया। आपको बता दें कि अजय कुमार द्विवेदी वाराणसी से स्थानांतरित होकर अब बरेली मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक का कार्यभार संभालेंगे। आज वाराणसी से बरेली जाते वक्त बरेली मोड़ पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं से नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख नीलम देवी ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर ली। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम यहां के सरोज गार्डन में आयोजित किया गया था जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पुआया से भाजपा विधायक चेतराम और दर्जा राज्य मंत्री मिथिलेश कुमार उपस्थित रहे। इस दौरान पुआया विधायक चेतराम ने संबोधित करते हुए पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को अवगत कराया। साथ ही कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। सिधौली के मुड़िया मोड़ स्थित एमए पब्लिक स्कूल में आज जल संरक्षण विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें विद्यालय के शिक्षकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। विद्यालय के प्रबंधक मोहम्मद आसिफ अली मंसूरी ने कहा कि आज दूषित होते पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की जरूरत है और उनको संरक्षित करना भी बेहद जरूरी है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में हो रही बारिश के जल को छोटे छोटे गड्ढे बनाकर संरक्षित किया जा सकता है। बंडा से नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख ओम प्रकाश ने भी आज शपथ ग्रहण कर ली। इस मौके पर सुरेंद्र नाथ वाल्मीकि बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मिथिलेश कुमार, पुआय से विधायक चेतराम और भाजपा जिलाध्यक्ष हरिप्रकाश वर्मा मौजूद रहे।
बैंक ऑफ बड़ौदा के 114वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज सबसे पहले क्षेत्रीय प्रबंधक मिहिर कुमार झा और अग्रणी जिला प्रबंधक चंद्रशेखर जोशी ने बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान नियामतपुर में वृक्षारोपण किया। इसके बाद एक आरओ वाटर कूलर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी प्रेरणा शर्मा भी मौजूद रहीं।